हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डेली टॉप 20 जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, मेहरौली स्तंभ के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है बी, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, ये गुप्त वंश के शासक थे और इन्हीं का संबंध बताया जाता है मेहरौली स्तंभ का। देखिए, जो मेहरौली स्तंभ है या जो ये लौह स्तंभ है, ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। और इस स्तंभ में देखिए खास बात क्या है कि इसमें जो लगे हुए लोहो है, यानी कि लोहा है जो इसमें लगा हुआ, उसमें अभी तक भी जंग नहीं लगा है। इसमें 90% लोहा है इस स्तंभ में और उसमें अभी तक भी जंग नहीं लगा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किससे संबंधित है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है या विक्रमादित्य से संबंधित है। जनपद की जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध साहित्य से। देखिए, जो जनपद है, जनपद क्या होते हैं पहले तो ये जानना होगा। तो देखिए, जो प्राचीन भारत में जो वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक इलाका या गणतंत्र या जो साम्राज्य होते थे, वही क्या कहलाते थे, जनपद कहलाते थे। और जैसे हमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपद के बारे में पता है, तो ये इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बौद्ध साहित्य से इसकी जानकारी हमें मिली है। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति या जो जुपिटर है, ये सूर्य से पांचवा और सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह या प्लैनेट कौन सा है, तो वो है बृहस्पति या जुपिटर। और सूर्य से ये पांचवें नंबर में आता है क्रम से अगर इसे देखे जाए तो। और ये सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिकतम समय लेता है, लगभग 12 वर्ष का समय ये लेता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 14%। ठीक है, सुपर मून जो होता है उसमें चांद 14% बड़ा दिखाई देता है। निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है। बहुत पूछा जाती है अकबरनामा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी या अकबरनामा लिखी गई है। ये किस भाषा में है, तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। और देखिए, जब भी अगर अकबर के समय का इतिहास जानने के लिए सर्वाधिक अगर प्रमाणित कोई ग्रंथ है, तो वो है ये अकबरनामा और आईने अकबरी, ये सबसे ज़्यादा प्रमाणित है। तो अकबर का अगर साहित्य जानना, अकबर का अगर इतिहास जानना होता है, तो उसके लिए इन्हीं ग्रंथ को सबसे प्रमाणित माना गया है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां के द्वारा लाल किले का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है कि लाल किले का पुराना नाम क्या था। तो लाल किले को किला ए मुबारक के नाम से, या फिर जो शाही परिवार था वो इसे मुबारक किला, ठीक है, मुबारक किला कहता था। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए मुबारक किला या किला ए मुबारक किसे कहा जाता था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली के लाल किला को। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है, ये भी बहुत पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है दिल्ली। ठीक है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। और देखिए, यमुना नदी क्या है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है यमुना, और इसी के किनारे बसा हुआ है दिल्ली शहर। दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ, बहुत पूछा जाता है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ए, 1836 में दिल्ली का पहला अखबार, जिसका नाम था दिल्ली अखबार के नाम से, पहला अखबार निकला था कब, 1836 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, देखिए 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ में प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। ये साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है।
रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, ये यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, यूपी का जो सोनभद्र जिला है वहाँ पर ये स्थित है। कई बार पूछा गया इसलिए आपको याद रखना है। किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। देखिए 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके भारतीयों को स्वतंत्रता का पहला स्वाद चखाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनके कई सारे एक्ट थे, कई सारे अधिनियम थे जो पेश किए इन्होंने, जिनमें से देखिए एक है इल्बर्ट बिल, जो बहुत पूछा जाता है, इल्बर्ट विधेयक या इल्बर्ट बिल। साथ ही साथ इन्होंने श्रम स्थिति में सुधार के लिए पहला कारखाना अधिनियम भी लाए थे 1881 में। ठीक है, तो पहला कारखाना अधिनियम किस गवर्नर के टाइम पे आया ये भी पूछा जाता है, किस वर्ष आया ये भी पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। बल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, शुद्धाद्वैत। ठीक है, शुद्धाद्वैत के संस्थापक हैं बल्लभाचार्य। देखिए ये जो है ये एक वैष्णव संप्रदाय है। ठीक है, कैसा संप्रदाय है? ये वैष्णव संप्रदाय है और इसमें कृष्ण जी की पूजा की सबसे ज़्यादा मान्यता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर बल्लभाचार्य का पूछा जाए तो शुद्धाद्वैतवास। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएँ होती हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, 16। ठीक है, चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। बहुत पूछा जाता है हिंदी में ये क्वेश्चन कि चौपाई के जो चार चरण हैं उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, कौन सी योजना के द्वारा की गई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था उसी के द्वारा, इसी योजना के द्वारा संविधान सभा की स्थापना की गई थी। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम। देखिए ईयर 1928 में बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु एक कानून पारित किया गया था जिसे हम शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए अजमेर के हरिविलास शारदा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस एक्ट को बनाने के लिए, इसीलिए हरिविलास शारदा के नाम पर ही इस एक्ट का नाम क्या रखा गया है, शारदा एक्ट रखा गया है, जो भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित एक्ट है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, कितने सदस्य शामिल थे अंतरिम सरकार में? तो करेक्ट आंसर होगा पी, 5 सदस्य। ठीक है, कौन कौन से 5 सदस्य? तो देखिए पहले तो जोगेंद्रनाथ मंडल, ठीक है जोगेंद्रनाथ मंडल, दूसरे थे गजनफर अली खान, तीसरे थे लियाकत अली खान और चौथे थे आई चुंद्रीगर और पाँचवें थे अब्दुल निस्तार। ये आपको 5 नाम याद रखना है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कौन कौन से सदस्य शामिल थे। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले। ठीक है, भारत में धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब दिया? तो 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि इनका नाम बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष कर को। जब राष्ट्रीय आय निकालनी होती है, नेशनल इनकम निकालनी होती है, तो एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। वह स्थानीय शासक कौन था जिसने मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डिगामा से मिला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जमोरिन। ठीक है, कालीकट का जो शासक था जमोरिन, यही वास्को डिगामा जब कालीकट पहुंचा था 1498 में तो सबसे पहले वास्को डिगामा का स्वागत किया था जमोरिन ने। नेक्स्ट, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। देखिए जो हमारे फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। यहीं पर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।